गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद अगेन व्लॉगिंग कर रही हूँ आफ्टर दिवाली फेस्टिवल्स। और व्लॉगिंग की ये वजह है कि आज हम लोग जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन में अपनी बुआ सास के बेटे का फंक्शन है, मतलब पोते का फंक्शन है मेरी देवरानी के बेटे का। तो उसी के फंक्शन में हम लोग जा रहे थे सभी लोग, पूरी फैमिली। और आज आ रही हैं मेरी नंद भी, राशि दीदी भी, तो उनका मतलब अभी कुछ दिन रहना रहेगा, मतलब एक दो दिन जो भी रहे तो उनका भी आ जाना होगा, क्योंकि वो दिवाली और भाई दूज पे नहीं आ पाई थी इसी वजह से। तो एक्साइटेड और तैयारी हो गई है ऑलमोस्ट, गिफ्ट भी रेडी हो गए हैं, क्या पहनने वाले हैं ये भी डिसाइड हो गया है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं, दीक्षा भी जा रही है, माजी डैडी भी जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून। और मैं दिखाती हूँ अपने और भी फैमिली मेम्बर से मिलाती हूँ, तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा। और भाई थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो, मैंने नेल पॉलिश भी लगा लिया, तो मैं कह रही थी मैं थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है पढ़ने में, देख लेते हो वीडियो, कमेंट नहीं करते हो यार, सो सैड। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को और स्टे ट्यून। Thank you.
जंप जंप गाइज़, हम लोग आ गए हैं घर और चेंज वेंज कर लिया है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, आपको फेस से लग रहा होगा, मतलब काटते लाने वाली थकान हो गई है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सोने करेंगे तैयारी। और अभी फ़िलहाल मेरी नंद भी हैं, वो रुकी हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल उनको नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर उनके साथ बैठूँगी, उसके बाद ही सोएंगे फ़िलहाल, क्योंकि वो आई थी शाम को, उसके बाद हम लोग तुरंत निकल गए पार्टी के लिए, इसीलिए। तो चलो जाते हैं नीचे। सो गाइज, यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट हो रही थी, हम लोग यहाँ पे नव्या को उसका बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि अभी 25 अक्टूबर को उसका बर्थडे हुआ था, तो बस वो आए थे उसी समय, तो हम लोग इसी समय, तो मतलब हम लोग बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, मैंने दिया। फिर ये चिनिया की बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट था जो कि उसका रखा हुआ था, वो हम लोग ने दिया। और फिर माँ जी ने भी उसी में मैंने वीडियो बना लिया, माँ जी ने भी गिफ्ट दिया और दीक्षा ने भी गिफ्ट दिया, तो वो हम लोग मैंने थोड़ी सी ऐसे ही क्लिपिंग निकाल ली, हम लोग अपना जो भी था वो मोमेंट इन्जॉय कर रहे थे बच्चों के संग। और इस समय काफ़ी लेट नाइट हो रही थी, तो इसलिए आपको सबके चेहरे ऐसे दिख रहे होंगे जिस पार्टी से हम लोग आए थे, तो इस वजह से। और तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, दीक्षा ने नेक्स्ट मॉर्निंग में दिया था, तो मैंने वो भी छोटी सी एक क्लिपिंग दे दी थी। और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे मिलूँगी। हे गाइस, आज है नेक्स्ट डे, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम लोग ने नव्या को उसके उसके बर्थडे गिफ्ट दिया, उसके बाद मैं आज शूट कर रही हूँ, आज है नेक्स्ट डे। और अभी मैं हम लोग जा रहे थे मॉल, और क्योंकि आज संडे था और पति कहाँ गए, ये रहे, और यहाँ चल रहा है मैच, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना आज ही आउटिंग कर लें, क्योंकि फिर बाद में मुश्किल हो जाती है, गाड़ी वगैरह नहीं रहती है, तो इसलिए हम लोग आज मॉल जा रहे थे। और हम लोग जा रहे थे फर्स्ट टाइम लुलू मॉल, तो हम लोग जा रहे थे राशि दी उनकी बेटी, बस इतने ही लोग, तो मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू कर लिया जाए और आपको दिखाया जाए लुलू मॉल। तो काफ़ी दूर है यहाँ से, बट देखते हैं चलते हैं। और बच्चों का भी मन है, क्योंकि बहुत दिन से मॉल वगैरह नहीं गए हम लोग, तो इस वजह से। तो चलो चलते हैं, मैंने जीन्स टॉप डाल दिया है सिंपल सा, तो मैं हो रही हूँ जा रही हूँ रेडी, तो चलो फटाफट से निकलेंगे और आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे लुलू मॉल एंटर कर चुके हैं, और काफ़ी दूर था रास्ते में, मतलब हम लोग के मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो आप देख लोगे अंधेरा भी हो गया, तो इस समय करीब 6:30 हो रहे थे, लेकिन क्योंकि अब ठंड हो रही है तो रात जल्दी होती है, तो बस हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह से एंट्रेंस पे लाइटिंग वगैरह हो गई थी, रात हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था बाहर से। और हम लोग पूरा मॉल नहीं घूम पाए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि रात में आए थे, पूरा दिन चाहिए इतने बड़े मॉल को घूमने के लिए, तो हम लोग ने जितना हो पाया था कवर किया था। भैया ने एक्सप्रेशन दिया आपको देख के, हम लोग इतना बढ़िया लाइट लग रही है।
तो इतनी दूर घर से आते आते हम लोग को भूख प्यास दोनों लग गई थी, और क्योंकि ठंड का मौसम भी है तो हम लोग को कॉफ़ी पीने का मन हो गया। शाम का समय था तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे कॉफ़ी पीने, और यहाँ पे काफ़ी सारी हम लोग ने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाए। यहाँ पे हम लोग आ गए थे हाइपर मार्केट, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा हाइप चीज़ है। हम लोग ने सोचा सबसे पहले हम लोग वही एक्सप्लोर करते हैं, और वो ये हाइपर मार्केट अपने में ही इतना बड़ा है कि हम लोग का सारा टाइम उसी में चला गया वही एक्सप्लोर करने में कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं हम लोग ने कुछ शॉपिंग भी की वहाँ से, जो जो चीज़ें हम लोग को लग रही थी कि काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे थी, तो काफ़ी चीज़ों की शॉपिंग भी की हम लोग ने। तो हम लोग का मैक्सिमम समय हम लोग का यहीं गया, फिर उसके बाद हम लोग और कहीं जाने का टाइम ही हम लोग के पास नहीं बचा। बच्चों को जाना था गेम जोन पर, वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाए। और यहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें थी जो कि कहीं मैंने देखी भी नहीं थी, वो चीज़ें मिलती हैं। और पूरा डेयरी का पूरा मतलब बहुत सारा सामान था, ग्रोसरी से लेके सब कुछ, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे किसी स्टोर पे, ये मुझे याद नहीं है कौन सा स्टोर था। हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े वपड़े देखने लगे थे, बट फिर हम लोग को लगा कि टाइम ओवर हो चुका है, तो हम लोग चले गए थे फूड कोर्ट। यहाँ खड़े हो ये अच्छा आएगा पूरा। रन यहाँ पे आ गया हम लोग का खाना, और मैंने वेज खाया, बाकी लोग ने नॉन वेज खाया। ये KFC का बकेट था, और मैंने एक प्लेटर लिया था, चाइनीज़ प्लेटर पता नहीं कौन सा था। और ये यहाँ पे गुस्सा बैठी थी, क्योंकि गाइस हम लोग आ गए हैं घर और खा पी के आए थे। जैसे कि आपने देखा तो बस थक भी बहुत गया था, क्योंकि वैसा लूलू मॉल है बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे चल चल के। बच्चे भी बहुत थक गए थे, तो बच्चे तो खैर घर आके काफ़ी खेले कूदे। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30, और मैं अभी एडिट वगैरह कर रही थी पहले के ब्लॉग, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को मैं ऐड कर दूँ वरना रह जाएगा और फिर एडिट के वक्त याद आएगा कि एडिट किया। तो बस मेरा थोड़ा सा लाइनर अभी रह गया आपको, तो बस मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि कल से चल रहा है तो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, और चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आपको कैसे ब्लॉग देखना है आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। देख लो ये अभी 2 बजने वाला है, ये चल रही है, इनका कल स्कूल भी है, मानते नहीं बच्चे आज के। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू, गुड बाय।